नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजुला। आज एक और रेसिपी लेकर आई हूं और आज की रेसिपी है बिहारी लिट्टी चोखा। चोखा की रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पे है और आज हम बनाएंगे लिट्टी जो बहुत ही स्पेशल है और इसे आप जरूर ट्राई करें। वैसे तो लिट्टी को डायरेक्ट आग पे पकाते हैं या तो उपले कोयले की आग पे, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है तो मैं इसे डीप फ्राई करके बनाऊंगी। ये भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए फटाफट लिट्टी की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिहारी लिट्टी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप सत्तू जो भुने हुए चने का होता है और इसे मैंने इस कप से मेजर किया है। ये चाय का कप है तो ये एक कप सत्तू है। 10 से 12 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे बहुत बारीक काट लें या इसे कूट लें। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक छोटे आकार का प्याज लिया है जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है, एक नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार। इन सब से हमें सत्तू का मसाला तैयार करना है। आटे के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी। और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, जिसके लिए आटे को एक बड़े बर्तन में डाल लें और इसमें मैंने घी पिघला लिया है, अब हम इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दें, करीब आधा छोटा चम्मच, और थोड़ा सा नमक। नमक सत्तू के मसाले में भी जाएगा तो इसलिए हिसाब से डालें और इसे अपने हाथों से मिक्स कर लें। करीब 1 से 1.5 मिनट तक लगातार इसे हाथों से मिक्स करते रहें ताकि घी आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। इससे हमारा लिट्टी काफी खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा गूंथ लेना है, तो एक साथ ज्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने आटे को गूंथ लिया है। इसमें मैंने 150 ml वाटर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से अच्छी तरह से गूंथ कर इसे हमें 10 मिनट के लिए सेट होने देना है, तो इसे ढककर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब हम सत्तू का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सत्तू को एक बड़े बर्तन में डाल लें और इसमें बची हुई सारी सामग्री मिलाएंगे। इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हमने बहुत ही बारीक कूट लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मिला दें। प्याज भी डाल दें। अगर आप लिट्टी को 2 से 3 दिन तक खाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें प्याज आप ना डालें। अजवाइन, कलौंजी, नमक स्वाद के अनुसार, करीब 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डालें। थोड़ा सा हरा धनिया, नींबू का रस जिसे मैंने अपने हाथों पे इस तरह से डाला है ताकि इसके बीज हमारे हाथों पे रह जाए, और सरसों का तेल। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने हाथों से ही मिक्स करें, क्योंकि चम्मच से ही अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। सत्तू का मसाला थोड़ा ड्राई होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये स्टफिंग करते समय प्रॉब्लम ना हो और वो फटे नहीं। तो ये सत्तू का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस में। अब हम आटा चेक कर लेते हैं, तो आटा सेट हो चुका है। अब जितना लिट्टी का साइज होता है आप थोड़ा सा बड़ा या छोटा रख सकते हैं, और इस तरह से जैसे हम पराठे में स्टफिंग करते हैं उस तरह से करकर हम इसमें 2 चम्मच सत्तू भर लेंगे। ज्यादा सत्तू ना भरें, नहीं तो तलते समय यह फट सकता है, तो अपने हिसाब से थोड़ा, और इसे दबाते हुए इसके ऊपरी हिस्से को हम चिपका लेंगे इस तरह से, और इसे गोल शेप में इस तरह से हम बना लेंगे। ये एक लिट्टी हमारा तैयार है। इसी तरह से सारे लिट्टी को भरकर हम तैयार कर लेंगे। मैंने 10 लिट्टी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है। तेल जब गरम हो जाए तो गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे कर लें और इसमें लिट्टी डाल दें।
मैंने एक साथ 5 लिट्टी डाला है। अगर अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे पलटते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 मिनट हो चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसे और फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से कलर आ जाए। और ये देखिए 6 मिनट के बाद इसमें प्रॉपर कलर आ गया है। लिट्टी फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे पेपर टॉवल पे निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। लिट्टी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम बचा हुआ लिट्टी भी फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने थ्रू आउट लो फ्लेम पे ही रखा है ताकि लिट्टी अंदर से पक जाए। अगर हम हाई कर देंगे तो लिट्टी बाहर से तो पक जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और ये 5 से 6 मिनट के बाद ये लिट्टी भी बनकर तैयार है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लिट्टी बनकर तैयार हुआ है। और मैंने इसे बैंगन के चोखे या भरते के साथ इसे सर्व कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा खाने से पहले घी लगा लेंगे। तो आप लिट्टी को इस तरह से ब्रश से या अपने हाथों से भी सारी लिट्टी में घी लगा लें। बिहार में घी के बिना लिट्टी नहीं खाई जाती। इससे घी से लिट्टी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिहारी लिट्टी बहुत पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।